गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने गुरुवार से हल्ला बोल आंदोलन शुरू किया। राजस्थान के सभी उपखंड मुख्यालयों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपे। प्रदेश स्तर के 77 नेताओं ने उपखंड स्तर पर जाकर आंदोलन की अगुवाई की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जोधपुर के ओसिया में धरने की अगुवाई करते हुए कहा, रीट में नकल हुई, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नकल हुई ही नहीं। रीट में नकल नहीं हुई तो बत्ती लाल को क्यों पकड़ा। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल आम बात हो गई है। कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगारों और युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। प्रदेश क्राइम कैपिटल बन चुका है। मुद्दों को लटकाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। हल्ला बोल आंदोलन का दूसरा फेज नवंबर में शुरू होगा। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। 15 दिसंबर को जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करने का फैसला किया गया है। दिसंबर की रैली में बीजेपी ने 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा किया है।